हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं और हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो आज के इस मुद्दे में हम लोग जो बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन के उसके ऊपर बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे आप इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक कर सकते हैं। देखिए, मेरा किसी भी लैंग्वेज से कोई बैर नहीं है, सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें जो जॉब है, जो मार्केट में जॉब चल रही है, वो इंग्लिश के बेसिस पे मिलती है। तो हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश हम कैसे अच्छी कर सकें। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन स्किल तो सेम रहती है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और मैं बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो थोड़ा ऊपर वाले लेवल का था कि जब आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद जो है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा फोकस है कि आप लोग कैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना कम्युनिकेशन कर पाए इंग्लिश में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं, होप आप लोगों को यूजफुल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एन इफेक्टिव वे टू कन्वे योर थॉट्स यूजिंग अ वर्बल और रिटन, जिसको हम नॉन वर्बल भी बोलते हैं, एक्सप्रेशंस इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एक प्रकार का इफेक्टिव वे या इफेक्टिव एक्टिविटी जिससे कि हमारे थॉट्स जो है प्रॉपर तरीके से कन्वे हो जाए, चाहे वो वर्बल तरीके से, वर्बल का मतलब बोलना होता है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन से हो, जिसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं, एक्सप्रेशन से कन्वे हो जाए, तो उसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स में कंसिडर करते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड बाई अदर्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स से क्या होता है कि आप जो है अपनी बातों को सामने वाले को समझा सकते हैं और सामने वालों की बातें जो है आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व्स स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पथाइजिंग। तो ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। सबसे पहले बोलना होता है, फिर सुनना होता है, फिर ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चल रहा है, और उसके बाद एम्पथाइज करना होता है कि अच्छा, सामने वाले ने बोला है, ठीक है, उसने ये पूछा है। देन एम्पथाइज करने के बाद, देन उसके बाद आप अपना जो प्रस्पेक्टिव है कम्युनिकेशन का वो रखते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर जो है पूरा कम्युनिकेशन इवॉल्व करता है, बेसिकली स्पीकिंग का। ठीक है, और इन वर्क प्लेस बींग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स टू हैव। अब किसी भी कंपनी में, किसी भी वर्क प्लेस पे अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेट करना नहीं आता है इन एनी लैंग्वेज, इधर इट्स इंग्लिश, इधर इट्स कोई भी दूसरी लैंग्वेज है, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साउथ में आता है और उसको जो है रीजनल कंपनी में जॉब मिलती है कोई जो है, और वहां की वो रीजनल भाषा अगर नहीं सीखता है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो रीजनल लैंग्वेज सीखना, तो ही और शी शुड लर्न दैट रीजनल लैंग्वेज ताकि उसको वो काम आसानी से आ पाए। यहाँ भी हालांकि हम लोग इंग्लिश को लेके चलेंगे तो इंग्लिश के ऊपर भी सेम चीज लागू होती है। ठीक है, कि आप लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना आना चाहिए, देन ओनली जो है आप तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने कंपनी में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज आती है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो होप आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स का जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो है एक ओवरव्यू दिया था जो है कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप ये करके जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें जो है मैंने एकदम बेसिक से नहीं बताया, लेकिन कुछ चीजें मैंने बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कुछ एक चीजें यहाँ भी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा कि अगर जो लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती हो, यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात करूंगा। ठीक है, ये चीज जो है आप नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसमें आप डालेंगे तो ये
अब वो लैंग्वेज आपको आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या है चीजें करने से जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, एक आप एपर लेवल पे आ सकते हैं, देन उसके बाद जो है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आप सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है ना वो थिंक बिफोर स्पीकिंग, ये मैंने पहले वाली वीडियोज में भी बताया है कि हमेशा सोचें फिर बोले, ठीक है, एंड यू ऑलवेज हैव टू बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आप ठीक से सोच पाएंगे और उसके बाद बोल पाएंगे। तो सॉरी, तो जब भी आपको सामने से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनको सुने अच्छे से, और सुनने के बाद सोचें कि, और सोचने के बाद जो है आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा है दिमाग में कि आपको क्या बोलना है। ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात होगी, ठीक है, वेर इन अगर आप, क्योंकि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में बात करना, ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर दिमाग में रखें कि आप हमेशा जो है आपको बोलने से पहले सोचना जरूरी है, ठीक है। देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टॉपिक फॉर डिस्कशन, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से बोलना सीखना है, एकदम स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटर है कि सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक चूज करें, ठीक है, कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है और मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ 10-15 पॉइंट लिख लीजिए, और वो 10-15 पॉइंट आपको एक तरह से याद कर लेना है, ठीक है। ये मैं बहुत ही बेसिक स्टेप बता रहा हूँ जैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए या मदब कर लीजिए इंग्लिश में बोलते हैं। देन उसके बाद राइट डाउन कर दीजिए उस टॉपिक को, जैसे मैंने बताया पहले प्रिपेयर कर लीजिए टॉपिक जो भी जिसके ऊपर आप डिसीजन करने वाले हैं, देन उसको राइट डाउन कर लीजिए पूरा। देन ट्राई स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, दोस्त के सामने भी बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि दोस्त लोग बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता अगर सामने वाला कोई मजाक उड़ाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपने फ्रंट ऑफ द मिरर जो है आप लोग जाएं और बात करने की कोशिश करें, जो आपने लिखा है, जो आपने अच्छे से याद कर रखा है, उसी को आईने के सामने देख के बोलने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, दो चीजें होती हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सेकंड जो है आपका हेजिटेशन निकलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि ग्रामर आपकी इनकरेक्ट जा रही है तो बेटर है ग्रामर भी थोड़ा सा देख लें ताकि आपका ग्रामेटिकल एरर जो है हट जाए, लेकिन मैं यहाँ पे केवल स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसको आपको कैसे इंप्रूव करना है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मिरर के सामने अच्छे से बोला, या आपका बहुत ही चहेता दोस्त है जो आपकी खिल्ली नहीं उड़ाए उससे आप जाके बात करें, चाहे टूटी फूटी ही सही, बोलना शुरू कीजिए, ठीक है, बोलने से ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा समय लेता है कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ही आज के समय में ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन में जाना है या अच्छा कुछ करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तभी जो है आगे चल के आप बहुत ही ऊंचा ओहदा प्राइवेट में पा सकते हैं या किसी भी जॉब में पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके दोस्त मित्र इतने अच्छे नहीं है तो बेटर है मिरर ले लीजिए, मिरर के सामने बोलिए, और उससे दो चीजें होती है जो मैंने बताया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका हेजिटेशन दूर होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये करने के बाद किसी से फीडबैक लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दोस्त के सामने बोलते हैं तो अपने दोस्त से फीडबैक लीजिए, ठीक है। ऐसे दोस्त जो आपकी खिल्ली ना उड़ाए आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, खिल्ली उड़ाना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में फर्क होता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्त पकड़िए जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि यार यहाँ यहाँ पे गलती हुई है, इनको तो ठीक कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपके फैमिली में है तो फैमिली में आप बचा के बात करें और उनसे जो है फीडबैक लें। एंड देन लिसन, जो आखिरी चीज मैं बताऊंगा, ये बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि नहीं ये करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज लिसन, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको सीखना है, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश न्यूज या इंग्लिश मूवीज जो है उनको सुनना है, उनको देखना है, ठीक है। उनको देखने और सुनने से क्या होता है, आप उस हिसाब से डायलेक्ट पकड़ते हैं कि अच्छा ऐसे बोला जा रहा है, और आप देखिएगा आप ये भी नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे और इंग्लिश मूवीज अगर आप देखते हैं कंटिन्यू देखते रहेंगे तो धीरे से आप जो जिस हिसाब से वो इंग्लिश बोल रहे हैं ना इंग्लिश मूवीज में वो आप डायलेक्ट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, उससे क्या आपके बोलने में कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको आप यूज करके अपनी जो कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश की कम्युनिकेशन के लिए वो अच्छी कर सकते हैं, और जिस भी लैंग्वेज में आपको अपनी महारत हासिल करनी है तो बेसिक गाइडलाइन यही रहेगी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल के चार मेन पिलर होते हैं, उन चार पिलर्स को मैंने यहाँ पे बताया। व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज स्पीक, ठीक है, रेगुलरली,
रेगुलरली स्पीक करें, टॉपिक बताएं, मिरर के सामने जाके बोलें या फिर अपने दोस्तों के साथ बोलें, जो भी आपको आपके बहुत अच्छे मित्र उनके साथ, ठीक है। सेकंड है राइट, लिखिए, इंग्लिश में लिखना जरूरी है, जहां पे भी ग्रामेटिकल एरर होते हैं किसी से भी चेक करवा लीजिए। चेक करवाने के बाद जो है, कहां जहां ग्रामेटिकल एरर लगती हैं या प्रोनाउंसिएशन में गलत लगता है तो आप जाके जो है देख सकते हैं। देन तीसरा, रीड, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। आप देखेंगे जो आप जब बहुत सारे लोग जो नॉवल पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉवल, उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाती है और साथ में उनकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। कारण वही है, जब आप पढ़ते हैं ना, उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, अपने हिसाब से उन शब्दों को आप यूज करना शुरू करते हैं जब आप बात करते हैं। तो पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। देन लिसन, लिसन, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आप लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है। चाहे इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश न्यूज देखिए, जो भी है देखिए और सुनिए, ठीक है। या फिर आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक्स आ रही हैं, उनको सुनिए, ठीक है। तो ये करने से जो है आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे लाइन पे आने लगी और धीरे धीरे आप जो है एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। देन उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन व्हाट यू शुड नॉट डू, ठीक है। तो हेजिटेट कभी मत कीजिए। देखिए, आप जब निकलेंगे बोलने के लिए ना, पहली बार जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं, टूटा फूटा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो है आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उनके बारे में मत सोचिए। आपका एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, मुझे यहाँ पहुंचना है, मेरे को मुझे मेरी इंग्लिश अच्छी करनी है, ठीक है। जो भी लोग बोलते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कंसिस्टेंटली जो है अपने गोल की तरफ ध्यान देके बिना हेजिटेशन जो है कंटिन्यू आपको उसके लिए प्रयास करना है, ठीक है। दूसरा, डू नॉट डिमीन योरसेल्फ, कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, बहुत कोई आपका दोस्त बहुत अच्छा बोल रहा है और आपको नहीं आता, आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। डू नॉट डिमीन योरसेल्फ, ठीक है। आपको टूटा फूटा आता है, डजंट मैटर, ठीक है, बोलते रहिए, धीरे 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 आपकी जो इंग्लिश है वो भी पटरी पे आने लगेगी। एंड लास्ट, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। और कॉन्फिडेंस अब करने का तरीका मैंने बताया है, मिरर के सामने जाइए, बोलिए, बात कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे जो है आपकी इंग्लिश अपने आप पटरी पे आने लगेगी दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और आशा करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने जो बेसिक्स चीजें बताई हैं वो आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।